Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome to the class theory of automata and formal languages. और हमने last time Monday की class जो है वो यहाँ पर wind up की थी on the even finite state machines. और this is a sixth academic week of spring 2021 online distance learning mode semester, जिसमें कि हम इस कोर्स को पढ़ रहे हैं. और as you guys know that ये जो हमारा टॉपिक है finite state machines का, this is relevant to course learning objective 3. इससे पहले हम CLO 1 और CLO 2 को कवर करके आए हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स टेक्स्ट बुक से किए थे. साथ के साथ आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी मैं देता रहा था, जैसे कि कुछ वीडियोस थी या लिंक्स थे, या फिर हम कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करते आए हैं. रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में स्पेशली हमने उसमें हेड टेल और गेमिंग की एग्जांपल्स ली थी. और फाइनाइट स्टेट मशीन्स में हमने अभी बुक से जो है वो इसको सीखा, और अप्लाइड प्रॉब्लम्स की तरफ वी विल गो. तो चैप्टर 5 में हमने काफ़ी सारी जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे उनको प्रैक्टिस किया है. पहले तो हमने FSM या फाइनाइट स्टेट मशीन्स की 5 टपल डेफिनेशन देखी, उसके साथ उसके 3 लीडिंग नोट्स थे, यानी कि क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, और इसकी आपने प्रैक्टिस भी की होगी एक्सटेंसिवली बुक की एग्जाम्पल्स में. और उसके बाद 3 नोट्स जो हैं वो तीनों नॉट में थे. आपको याद होगा कि मल्टी पाथ नहीं होना चाहिए, नो पाथ भी नहीं होना चाहिए, और एप्सिलॉन एजेस नहीं होने चाहिए. इनमें से अगर कोई भी सिचुएशन हो, वी कैन डिटेक्ट इट फ्रॉम द डेल्टा आई. डेल्टा आई इज़ योर रडार व्हिच टेल्स यू कि कोई आपकी नोट्स जो हैं या जो उसकी एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं वो वायलेट तो नहीं हो रही. ठीक है जी. उसके बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस को फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन में ट्रांसलेट करना सीखा, और उसमें आपको याद होगा कि फर्स्ट वी यूज टू ड्रॉ द मस्ट कंडीशंस वन बाय वन फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट टू द फाइनल स्टेट, देन वी राइट ट्रांजिशन टेबल, एंड afterwards we complete our transition table no paths according to the logic of your regular expression. So this was the method by which we translated a regular expression into a finite state machine. Then we saw how to extract regular expression from NFA. A finite automaton se aapne kis tarah se FA ko guess karna hai. The same principle applies, like in this case it is reversed. Okay, in constructing an FSM from an RE, we used to draw must conditions first and the known garbage as well, then we draw the delta table, then resolve the no path according to the logic of your RE, and then we get an FSM. When you have to guess a regular expression from an FA, then what you do, you see which path is leading you from start state to the end state. ठीक है. जितने भी आपके paths आपको लेकर जा रहे हैं वो definitely आपकी MCs होती हैं, आप उनको note down कर लेते हैं, and then you see के garbage कौन कौन से, and here you don't have to actually draw delta I for guessing language, because पहले से बना होता है आपके पास. आपने path देखने हैं win state की तरफ, that will be your must conditions, और फिर आपने garbage, इसमें सारा known होता है, बनाते हुए तो नोन और अननोन गार्बेज होता है ना. अननोन गार्बेज नो पाथ से निकलता है, और नोन गार्बेज आपका शुरू में ही बन जाता है. जब आपने आरी गेस करनी है तो उसमें तो गार्बेज सारा नोन है, अननोन है ही नहीं. तो एमसीज को देखने के बाद आपने जो गार्बेज है नोन गार्बेज उसको एडजस्ट करना है, और आपके पास रिजल्ट में एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती है. तो हमने ये प्रैक्टिस भी की इस चैप्टर में. डेफिनेशन नोट्स जो उसके एक्स्ट्रा 3 नोट्स थे वो देखे, फिर आपने 5 टपल की प्रैक्टिस की डेफिनेटली पूरे एग्जांपल्स में चैप्टर की, साथ आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट स्टेट मशीन में ट्रांसलेट करना सीखा, और फाइनाइट स्टेट मशीन से रेगुलर एक्सप्रेशन को ट्रांसलेट करना सीखा.
इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने एक और चीज़ भी इस चैप्टर में देखी, बिहेवियर ऑफ द क्लास। ऑल्दो ये अभी इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आगे हम एक थ्योरम पढ़ेंगे कोर्स के आखिर में जाके, जिसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि क्लास का बिहेवियर क्या है। तो अभी से हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी है। ऑल्दो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, FSM में बिहेवियर क्लास का बहुत हेल्प आउट करता है। आपको याद होगा हमने क्लासेस मूव करके इधर उधर तो हमने बिहेवियर चेक किया था कि क्लास का कैसे बनता है, और ये क्लास बिहेवियर उस वक्त भी काम आता है, आपको याद होगा, जब आप डेल्टा आई के नो पाथ पूरे कर रहे होते हैं। व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग एन FSM फ्रॉम अ गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन, तब क्लास बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलिवेंट। ऑल्दो इसका एक पूरा थ्योरम हम कोर्स के आखिर में पढ़ेंगे, उस वक्त भी क्लास का बिहेवियर काम आएगा। तो ये वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे जो हम पढ़ कर आ चुके हैं, और डेफिनेटली जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि आप वन बाय वन, जैसे पहली दफ़ा जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि 5 टपल लिखिए पूरी चैप्टर के, जो कि आपने ज़रूर लिखे होंगे। फिर आगे चल के हमने बिहेवियर पढ़ा था, तो मैंने कहा था आप बिहेवियर पे गौर कीजिए, रेगुलर एक्सप्रेशन से FSM बनाइए और बिहेवियर को देखिए। वो प्रैक्टिस भी आपने इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स पे डेफिनेटली की होगी, और एग्जाम्पल्स के साथ बिहेवियर में तो आप थोड़ी सी अल्टरेशन भी कर सकते हैं ना, जैसा कि राइटर ने भी करके दिखाई थी आपको, एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स की शक्ल में। फिर इसी तरह से हमने उसके बाद पढ़ा कि FA से रेगुलर एक्सप्रेशन आपने एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है, तो वो भी आपने प्रैक्टिस की होगी थ्रू आउट द बुक, और बड़ी कम्प्रिहेंसिव इसमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जो कि इन बेसिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए मोर देन इनफ है। और इसका फ़ायदा है कि सोल्यूशन आपके सामने होता है, आप अपनी लॉजिक करके और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस कर ली है, और आज हम इस चैप्टर को कम्प्लीट करने लगे हैं, और इसके बाद हम चलेंगे क्लीनी थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन पे। एक तरफ तो हम क्लीनी थ्योरम कर रहे होंगे और दूसरी तरफ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कर रहे होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर के बाद मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा अप्लाइड प्रॉब्लम्स की, जिसकी आप FSMs बनाएंगे, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, फिर आपको एक प्रॉब्लम सेट टेक अवे होम असाइनमेंट के तौर पर मिलेगा, नॉन क्रेडिटेड ऑब्वियसली, जिसमें आपने कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। ये काम हमने पैरेलल करना है इसके बाद वाले चैप्टर्स के, क्लीनी थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन के। और ये नेक्स्ट वीक हमारा, अब इसके बाद ईद की छुट्टियां, ईद की छुट्टियों के बाद जो 7th एकेडमिक वीक आ रहा है, उसमें आपका काम अप्लाइड प्रॉब्लम्स को सीखना, यानी कि एग्जांपल्स को देखना और उन्हें अप्लाई करना जो आपने इस चैप्टर में सीखा। एक तो ये आपकी टास्क होगी, दूसरा आप किताब से पढ़ रहे होंगे क्लीनी थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन, जो कि निस्बतन यानी कंपैरेटिवली ईजियर है। 8th वीक के अंदर स्टूडेंट आपको मिल जाएगा आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट, और इसके लिए हमें मंडे की जो 3rd लेक्चर है उसको हम एंगेज करेंगे, या किसी और स्लॉट में, क्योंकि वो खाली है, और अगर आपकी वहाँ क्लास होती है तो हम 1 आवर 8th वीक में ट्यूटोरियल का भी एंगेज करेंगे, जिसमें आपने मुझसे अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट डिस्कस करना होंगे। FSM की अप्लाइड प्रॉब्लम्स के बाद यू विल बी एबल टू एक्चुअली थिंक अ प्रॉब्लम, या आप एक ऐसा मसला सोच सकोगे, मैं आपको गाइड करूँगा, जिसे आप सेमेस्टर में हल करना चाहोगे, ठीक है। तो ये हमारा आगे आने वाले 2 वीक का रोड मैप होगा। आज की क्लास में हम फाइनाइट स्टेट मशीन्स के चैप्टर को कम्प्लीट करते हैं। सो ये आपके सामने है स्टूडेंट्स FSA, और मैं चेक कर लूँ कि आपके कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त प्रेजेंट हैं। दिस इज़ द फाइनाइट स्टेट मशीन, और इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आप चैप्टर 4 के आखिर में पढ़ाए हैं, Type 1, Type 2 एंड Type 3, ठीक है, इवन नंबर ऑफ A's एंड इवन नंबर ऑफ B's इफ एट ऑल, ठीक है, 0 को भी इवन कंसीडर कर रहे हैं आप। स्टेट 1 पे गौर कीजिए, ये कौन सी स्टेट है, इसको मेरा ख्याल है पहले हम पेंट में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लिखना भी आसान हो जाता है, एंड आई कैन लेट मी एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम, मैं यहाँ से ग्राफ एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और
नाउ आई शुड शेयर पेंट विद यू। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एमएस पेंट जो है वो मौजूद है, इसको ज़रा मुझे बीच में ड्रॉ करने दीजिए। अच्छा, अब आप देखिए कि ये कौन सी स्टेट है। स्टेट वन पे आपके पास प्लस भी है और माइनस भी है। जब यहाँ पे प्लस आ गया, विच मीन्स इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टिंग लेमडा, एंड लेमडा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे ए बी और बी बी दोनों क्या होंगे, ज़ीरो। ज़ीरो एज, ज़ीरो बीज। मैं पाथ की बात नहीं कर रहा, ये सिफर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनिशियली जब आपकी मशीन स्टार्ट होती है तो यहाँ पे ए और बी सिफर होंगे, क्योंकि यहाँ पे लेमडा एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये स्टेट वन का इनिशियल बिहेवियर आपके पास आ गया। स्टेट टू पे ज़रा गौर कीजिए, ये किस तरह की स्टेट है। यहाँ पे देखें, एक बी रीड करके आप पहुँचे हैं, या दो तीन बी, यानी कि ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे बी आपके पास हैं ऑड। आप पहली दफ़ा चलाएं इस मशीन को, या आप इसे इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स चलाएं, जब भी आप स्टेट टू पे पहुँचेंगे बी हमेशा यहाँ पे ऑड होंगे। और ए देखिए, यहाँ पे अगर मैंने अकेला बी रीड किया है तो ए कितने मैंने रीड किए हैं स्टेट टू पे, ज़ीरो एस, यानी ज़ीरो इवन है। फिर आप एक चक्कर लगाएं, एक ए आपने रीड किया, फिर बी रीड किया, फिर ए, दो तक पहुँचने में ए कितने रीड हुए, दो। दूसरा चक्कर लगाएंगे तो आपके पास कितने रीड होंगे, चार, छः, आठ। इसी तरह अगर पहले बी के बाद डबल ए आ जाए तो भी एक ही तादाद दो है, चार एज आ जाए तो एक की तादाद चार है। विच मीन्स टू स्टेट पे एज जो हैं उनकी तादाद, ये ए ज़रा क्यों हो जाता है यहाँ पे, ये इसमें थोड़ा टाइप करना मुश्किल है, तो इसकी तादाद है स्टूडेंट्स क्या, इवन। मैं इवन की जगह ई लिख देता हूँ, यानी ए स्टेट टू पे इवन है। वन पे देखें, ज़ीरो ज़ीरो इनिशियल बिहेवियर है। एक चक्कर अगर लगाएं, बी ए बी ए, वन पे ए बी इवन होंगे और बी बी इवन होंगे, यानी कि ए इज इवन, बी इज ऑल्सो इवन, ए बी इवन है और बी बी इवन है। टू पे बी ऑड है और ए इवन है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स स्टेट थ्री पे जाइए, बी ए बी, यानी कि स्टेट फोर पे अगर हम जाते हैं तो बी ए, एक बी ए के रीड करके, ए बी इवन है, बी बी इवन है। चलें एक दफ़ा फिर चक्कर लगा लेते हैं, बी ए बी ए। तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे ए की तादाद तीन हो चुकी होगी, इसी तरह बी की तादाद जो है वो आपके पास वो दो बनती है, बी ए बी बी, वो भी तीन हो गई, बी बी तीन और ए बी तीन, यानी कि आपके पास ए और बी, देखें जितनी दफ़ा भी हम सर्कल कर रहे हैं तो दोनों यहाँ पे ऑड आ रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी कैलकुलेशन से दोनों ऑड आ रहे हैं। इफ़ इट इज़ नॉट राइट तो आप मेरी दुरुस्तगी कर सकते हैं, बिकॉज ये बनाते हुए बाज़ूकात गलती हो जाती है, ऑल दो इट इज़ अ वेरी स्मॉल गैप। तो ये हमने स्टूडेंट स्टेट वन, स्टेट टू और स्टेट थ्री का बिहेवियर लिख लिया, स्टेट फोर का। अब स्टेट थ्री पे आ जाते हैं, अब रीड करना शुरू करते हैं। ए अगर अकेला ए हो तो फिर थ्री एज पे, फिर फाइव एज पे, फिर सेवन, यानी ए तो इसमें ऑड है। यहाँ से आ जाइए, बी ए बी ए के, यानी ए इसमें ऑड आ रहा और बी, बी को देख लेते हैं, अगर मैं सिंगल ए रीड करूं तो बी जीरो है, बी इवन है। ऊपर से आ जाएं, बी एक भी हो गया, दो भी हो गए, यानी कि बी इसमें इवन ही आ रहा है।
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एट एनी स्टेज। तो ये आपके पास चारों स्टेट्स का बिहेवियर आ गया। तो अब अगर आपसे कोई कहे कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्टिंग इवन इवन लैंग्वेज, तो आप प्लस को वन पे लगा देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कंस्ट्रक्ट एन एफ एस एम विच हैव ऑड बीज एंड इवन एज, प्लस को यहाँ से उठाइए दो पे लगा दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन विथ ऑड एज एंड ऑड बीज ओवर द इनपुट अल्फाबेट सिग्मा आई इज इक्वल टू ए बी, प्लस को यहाँ ले आइए। इफ आई टेल यू टू कंस्ट्रक्ट अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन डी एफ एस ए विच हैव ऑड नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज, प्लस को यहाँ से इरेज कीजिए और यहाँ पे ले आइए। यानी कि यू हैव फोर एफ एस एज, डिफरेंट एफ एस एम्स फ्रॉम दिस वन एफ एस ए। ये पावर है आपके सामने क्लास बिहेवियर की। ये सर्कल क्लास भी कहलाती है, ठीक है, ये सर्कल क्लास भी कहलाती है। हम आगे चल के मेहल निरोट थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम इस कोर्स के आखिर में पढ़ेंगे, मेहल निरोट थ्योरम, जिसमें क्लास बिहेवियर की बात की जाती है कि किसी फाइनाइट स्टेट मशीन की टोटल पावर क्या होती है, कोलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ऑल क्लासेस। फिलहाल तो आपको ये इवन इवन का ग्राफ नज़र आ रहा है ना, लेकिन इसकी कोलेक्टिव पावर में टू की क्लास भी है, थ्री की क्लास भी है, फोर की क्लास भी है। और आप इसके सिर्फ विन स्टेट को अल्टर करके इसकी पावर का सेट बना सकते हैं, कि इसकी टोटल डोमेन जो है वो निकाल सकते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, ठीक है। और स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस में मेहल निरोट थ्योरम बहुत अहमियत का हामिल है। जिस तरह से आप लॉजिक में या स्ट्रेटजी में आप ये सोचते हैं, वॉर गेम्स खेलते हैं आप, दुश्मन के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर मैं एक जगह पे स्ट्राइक करता हूँ मेरा विन टारगेट ये है, दुश्मन का सफेयर क्या है, वो क्या रिटेलिएशन में क्या कर सकता है, तो आप मेहल निरोट थ्योरम को प्लॉट कर सकते हैं, उसकी सारी पॉसिबल ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं। पहले तो आप उसका इनपुट अल्फाबेट निकालेंगे कि उसके मोहरे कौन कौन से हैं जिसके ज़रिए वो आपके खिलाफ़ एक डिफेंस माउंट कर सकता है। अभी तो आप ए भी पढ़ रहे हैं ना, हम इसको इनलार्ज कर सकते हैं। जब आप उसके इनपुट अल्फाबेट डिटरमिन कर लेते हैं, वो कोई और इदारा होगा या टास्क होगी कि यूजुअली थ्रू इंटेलिजेंस आपके पास इनपुट अल्फाबेट्स आ गए, उसके बाद आप उनको प्लॉट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक ग्राफ्स की शक्ल में। यहाँ मैं नॉन डिटर्मिनिज्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्ट्रेटेजी में नॉन डिटर्मिनिज्म भी आ जाती है। इंसान का जो दिमाग है वो कंप्यूटर से कैसे मुख्तलिफ है, आपके पास सिक्स सेंस है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शंस है इंसान के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर इज अ डिटर्मिनिस्टिक मशीन। तो जब आप रियल स्ट्रेटेजी में कंप्यूटर थ्योरी अप्लाई करते हैं, तो उसमें फाइनाइट स्टेट मशीन्स भी बनाते हैं और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन एनएफएस भी बनाते हैं। तो फिर आप दुश्मन की इनपुट अल्फाबेट को गैस करते हैं, उसकी मशीन्स ड्रॉ करते हैं, फिर आप एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। इसी तरह बिजनेस स्ट्रेटजी में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है। मौजूदा मार्केट का आप एक फाइनाइट स्टेट मशीन ड्रॉ कर सकते हैं और उसी से आप फ्यूचरिस्टिक मशीन ड्रॉ कर सकते हैं। सो पूरा एक एनालिटिकल इंजन तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर थ्योरी के जरिए। इसको गेम थ्योरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, गेम में भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। और इसमें मैं आपको 8वें वीक में आपके सीनियर्स के इसी ही कोर्स में रिसर्च पेपर भी दूंगा जो पब्लिश हुए हैं और आप पढ़ सकते हैं उसे, एचईसी रिकॉग्नाइज जर्नल्स के अंदर एक 2010 सेशन, जो आपके टीचर हैं शहजाद साहब, उनको मैंने ये कोर्स पढ़ाया था और उनकी क्लास से दो पब्लिकेशंस हुई थी ड्यूरिंग बीएससी स्टडीज, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कई स्टूडेंट्स का काम अच्छा था, अगरचे वो पब्लिश नहीं कर सके अपना काम, क्योंकि पब्लिकेशन के लिए आपको सर्टेन लेवल ऑफ लैंग्वेज स्किल्स इस्तेमाल करना पड़ती हैं, उनका एक फॉर्मेट होता है, काफ़ी उसमें ओवरहेड मेहनत है। आपकी सेमेस्टर प्रोजेक्ट में तो आप एक नई चीज़ पे अप्लाई कर लोगे इस कंप्यूटर थ्योरी टूल्स को, मगर पब्लिश करने के लिए आपको फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिसमें कि थोड़ी सी एफर्ट है लेकिन वो आपकी सीवी पे आ जाता है। सपोज आप बीएससी में
इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस कर लेते हैं तो आप कहीं पर भी मास्टर्स की स्कॉलरशिप के लिए ओवरसीज अप्लाई करेंगे, पीएचडी के लिए या टीचिंग पोजीशन के लिए, तो आपका एक जो इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन है उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, उसका काफ़ी वेट होता है और आपकी सीवी के ऊपर भी ऐड हो जाता है। काम तो आपने वैसे ही किया है सेमेस्टर प्रोजेक्ट में, अप्लाई तो आपने वैसे ही कर लिया होगा, लेकिन आप थोड़ी सी एफर्ट के साथ अगर उसे पब्लिश कर लेंगे तो इट विल रिमेन विद यू थ्रू आउट योर लाइफ लाइक योर बीएससी डिग्री। इस तरह आपकी बीएससी की डिग्री आपकी प्रोफाइल पे चलती है, तो अगर आपकी एक पब्लिकेशन हो जाती है ड्यूरिंग बीएससी स्टडीज तो ये बहुत आपके लिए एक ऑनर की बात होती है। और ख़ास तौर पे एमएससी पीएचडी की स्कॉलरशिप्स या फिर टीचिंग पोजिशन के लिए आप अप्लाई करते हो तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। ओके जी, तो ये है आपका स्टूडेंट्स इवन इवन कैफेसे, और ये आपके साथ इवन इवन लैंग्वेज कोर्स के आखिर तक चलेगी। इसमें देखें मैंने आपको 4 FSAs ड्रॉ करके बताए हैं, आपने इसके 5 टपल्स भी लिख लेने हैं और इसके प्लस को आपने यहाँ यहाँ और यहाँ मूव करके भी देख लेना है। आपने सिर्फ ये देखें, अब मैं अगर इसे 2 में लगा दूं, अब ये कौन सा ग्राफ है? दिस इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन दैट एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज। अगर मैं इसको फोर पे लगा दूं, अब ये कौन सा ग्राफ है? दिस इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन दैट एक्सेप्ट ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज ओवर द इनपुट अल्फाबेट सिग्मा आई ए बी। अगर मैं इसे यहाँ से उठा के 3 नंबर पे लगा दूँ, नाउ दिस इज अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन दैट एक्सेप्ट ऑड नंबर ऑफ फेज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। यानी कि हमें स्टेट के बिहेवियर से खासतौर पर इवन इवन लैंग्वेज जो है वो काफ़ी रिच है। नाउ ये कौन सी लैंग्वेज है? दिस इज अ लैंग्वेज विच एक्सेप्ट नथिंग 5, ठीक है, तो प्लस को रोटेशन से ये हमें इसका पावर सेट जो है वो मिल जाता है। तो वापस हम इसे ले आते हैं इवन इवन पे, जैसे कि बुक में था आपके। ओ तो अब ये इवन इवन का फाइनाइट स्टेट मशीन आपके पास रिजल्टेंट सेट में आ गए। इसके आपने 5 टपल्स भी लिख लेने हैं। तो लेट्स गो बैक टू द बुक। तो ये बहुत पावरफुल और बहुत फंडामेंटल लैंग्वेज है और ये बुक के आखिर तक चलेगी। इसकी आरी आप देख कर आए हो पीछे, और ये इसका ग्राफ था। अच्छा, जो आखिरी एग्जांपल है ना उसमें बस इसने ये शो करना चाहे राइटर ने कि सिग्मा 2 से बड़ा भी हो सकता है। ऑल्दो इस कोर्स में हम इतना बड़ा सिग्मा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक ऐसा FSA है जो कि वर्ड कैट अगर आपके पैराग्राफ में आ जाए, कोई आप नोट पैड की फाइल रीड कर रहे हैं, जब उसमें कैट आएगा तो आप जीत जाएंगे। और ABC जाहिर है फिर आपका जो है वो ABC जो है वो आपकी क्या होगी, इनपुट अल्फाबेट होगा। तो आप इस पे देखें CRT को आपने ड्रॉ कर दिया है फाइनल स्टेट पे, एक दफ़ा कैट आ गया यू वन, बाकी जितने लेटर आते रहे आप जीते रहोगे। हाँ, ऑल एक्सेप्ट सी, जब तक सी नहीं आएगा आप जीतने की तरफ नहीं जाएंगे। अब आपने सारा सिग्मा प्लॉट करते ए से जी तक कैट छोड़ के तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आपने ऐसे लिख दिया। सी आ गया, जीतने की तरफ जा रहे हो, जब तक सी आता रहे 2 पे रहो, ठीक है। 1C की क्लास है, स्टेट 2 का बिहेवियर क्या है 1C, और सी के बाद कोई भी और चीज़ आ गया फिर से अब आप जीत नहीं रहे हो, वापस स्टार्ट स्टेट पे रीसेट हो जाओ, फिर सी आएगा फिर जीतने लगोगे। सी के बाद ए आ गया फिर भी आप जीत रहे हैं। 3 कौन सी स्टेट है जहाँ पे 1C 1A रीड किया आपने, 2 कौन सी स्टेट है 1C, 3 कौन सी स्टेट है 1C 1A, ठीक है जी CA। तो स्टेट 3 पे अगर T आ जाता है तो आप जीत जाते हैं, और स्टेट 3 पे C और T के अलावा कुछ आए रीसेट हो जाओ, C आता है 1C की क्लास पे चले जाओ, 2 कौन सी क्लास थी 1C की, CA के बाद फिर C आया फिर से कैट पढ़ना पड़ेगा, 1C पे चले गए जी। तो ये इसका बिहेवियर है आपका, एक
आपने वर्ड फाइल, नोटपैड की फाइल आपने रीड की और उसमें से कैट से आप जीतते हैं। सो ये सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि सिग्मा कैन बी लार्जर देन टू, बट वी आर नॉट येट कंसर्न इन दिस कोर्स विद लार्जर सिग्मास, वी विल स्टिक टू टू। सेमेस्टर प्रोजेक्ट में आप 4-5 का सिग्मा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसमें भी 2 में ही मैं आपको बताऊंगा कैसे एडजस्ट करना है। 2 का सिग्मा बड़ा पावरफुल होता है, बट अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। 2 के सिग्मा से आप हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स इनपुट अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकोगे। हाउ? यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट क्लास, जब हम अप्लाइड प्रॉब्लम्स करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने इस किताब की चैप्टर की जितनी एग्जांपल्स हैं उसमें आपने आरी से एफएसए, एफएसए से आरी, 5 बिहेवियर और इसी तरह से आपने नो पाथ रेजोल्यूशन और ये सारी प्रैक्टिस आपने अच्छी तरह से कर लेनी है और यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं असाइनमेंट की। अच्छा उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट थी उसमें कुछ बच्चों को मुश्किल पेश आ रही थी टर्निटिन पे असाइनमेंट को अपलोड करने में और उनको मुख्तलिफ तरह के एरर्स नज़र आ रहे थे। फॉर एग्जांपल उसमें आपको एरर आ रहा था कि जी जो आपकी जस्ट वेट अ मिनट लेट मी ओके जी, तो उसमें आपको मसला आ रहा था टर्निटिन में, क्या इशू आ रहा था कि वो कहता है कि क्लास साइज इज फुल। वो आता है जब आपकी जो सर्वर उसका बिजी होता है या उस पर लोड ज़्यादा होता है। मैंने ख़ुद भी यहाँ से एक दूसरे कंप्यूटर से आईडी बना के देखी, 2-3 बार उसने वो एरर दिया लेकिन मेरा लॉगिन आईडी सेव हो गया। फिर मैंने उसी लॉगिन ईमेल से और पासवर्ड से जो मैंने बनाया था टर्निटिन को साइन इन किया एज अ स्टूडेंट और वो साइन हो गया। आगे मैंने उसे वो क्रेडेंशियल्स दिए क्लास के और मेरी असाइनमेंट जो है वो सबमिट लिंक वहाँ पे आ गया था। अभी देखें रुके मैं दोबारा, अभी तो शायद मुझे वो याद नहीं है जो मैंने स्टूडेंट की आईडी बनाई थी। ओके, लेकिन दैट वर्क। तो अगर आपकी नहीं वो साइन इन हो रही है और नहीं आपका काम कर रहा तो यू कैन ईमेल मी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे आप उससे ट्राई करें। और जब वो एरर दे भी देता है तो आपकी टर्निटिन की आईडी बन जाती है स्टूडेंट आईडी। आप ईमेल एड्रेस दें, पासवर्ड दें, वो आपको आगे ले जाएगा। उस वो जो 3-स्टेप प्रोसेस था ना, वो एक दफ़ा आप कर लो आपकी आईडी बन जाएगी, उसके बाद आपको 3-स्टेप प्रोसेस दोहराने की ज़रूरत नहीं है। होम स्क्रीन पे जाएं, अपना ईमेल आईडी दें, पासवर्ड दें, आप टर्निटिन में साइन इन हो जाओगे, आगे क्लास आ जाएगी, क्लास में आप क्रेडेंशियल्स दें और आपका वो पेज आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा इट्स ओके, नो इशूज़, आप उसको जो है वो कर सकते हैं, आई मीन के आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे आज रात तक। ओके, तो अब आपका कोई सवाल हो इन 2 लेक्चर्स के रिगार्डिंग मंडे जो क्लास हुई थी हमारी, जिसमें जो कि मैं रिकॉर्डेड क्लास के टाइम पे ही रिकॉर्ड करता हूँ लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में आपसे शेयर हो जाती है, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और आज की क्लास यानी कि हमने FSAs ही पढ़े हैं, इसमें इससे मुतालिक आपका कोई सवाल हो स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, ओके ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, गुड। तो अब उसके बाद हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट की तरफ। मुझे कुछ बच्चों की क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो जो कोड है उसमें एरर आ रहा है। मैं ज़रा बुक भी ओपन कर लेता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग की कोड देयर। सर वो हो गया था रिजॉल्व। हो गया था रिजॉल्व, ओके। तो उसमें उसने कोई एरर सेमी कॉलन वगैरह स्किप किया हुआ होगा? सर वो हेडर फाइल में थोड़ा इशू आ रहा था, वो नेम चेंज होना था उसका बस। ठीक है, तो ये चार्ल्स पेट्ज़ोल है ना, ये कहीं कहीं थोड़े थोड़े इश्यूज आपको आपके सीनियर्स को भी मैं जब पढ़ाता था तो वो मुझे कहते कि सर ये चीज़ मिसिंग है या इसको इस तरह से करें तो चल जाता है। तो वो थोड़ा सा इसीलिए गड़बड़ करता है ताकि
आप जो आपको टाइपिंग की थोड़ी सी जो है वो आदत हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपने अपनी असाइनमेंट बना ली होगी, और कल की जो हमारी लैब है उसमें मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूंगा जो कि सिस मैट्रिक्स 2 और सिस मैट्रिक्स 3 है। सिस मैट्रिक्स 1 तो आपने कर ही दिया है, लेकिन सिस मैट्रिक्स 2 में आप बच्चों ने शायद देखा हो बुक के अंदर कि उसमें उसने स्क्रॉल बार का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, ठीक है। तो सिस मैट्रिक्स 1 में तो हमने ये देखा था ना कि फॉन्ट्स आर इमेजेस, इमेजेस आर पार्ट ऑफ कर्नल पार्ट GDI, ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस, ठीक है। तो हम GDI को बेसिकली टच कर रहे हैं, हमारा जो पर्पज़ है। और जिस तरह से आपने फॉन्ट्स को डिस्प्ले किया है, ऐसे ही आप किसी भी इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। और जो आपको ये चलते फिरते इमेजेस नज़र आते हैं, इसमें आप नेक्स्ट इमेज ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ग्राफिकल इमेज है, कार्टून है, वीडियो गेम में कोई, उसने नेक्स्ट स्टेप मूव करना है। तो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या होता है, आप वो जो उस वही सेम इमेज है ना, उसको आप इनवैलिडेट करके नया इमेज ड्रॉ कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पे उसकी जो लेग है या उसका हैंड है, जो जो चीज़ मूव कर रही है उसे रीड्रॉ करते जाओगे, ठीक है। रीड्रॉ कैसे होगा, वैल्यूज को प्लस करते जाओगे, ठीक है, कहीं लूप लगा के। तो अगला जो इमेज होगा वो उसकी मूवमेंट होगी। जिस तरह से आपने एक कॉलम प्रिंट किया है पहले सिस्मेट्स 1 में, फिर आपने दूसरा कॉलम प्रिंट किया, ठीक है, कंप्यूटर के लिए वो इमेज थे, GDI था, टेक्स्ट नहीं था, उसको आपने GDI किया, इसकी जगह आप कलरफुल कार्टून बना दीजिए, उसका डेटा स्ट्रक्चर बना दीजिए पूरा। और जब वो मूव कर रहा होता है किसी वीडियो गेम में, तो बुनियादी तौर पे यू आर इनवैलिडेटिंग द क्लाइंट एरिया एंड देन रीपेंटिंग एंड देन वैलिडेटिंग, ठीक है। तो इतना इंटेंस काम हो रहा होता है, इसीलिए आपको यूजुअली एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर के लिए ग्राफिक्स कार्ड की, डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि CPU के ऊपर वो इतनी ज़्यादा आप लोड नहीं डाल सकते गेम्स में, जितने ज़्यादा आपकी ग्राफिक्स इमेजेस होते हैं, जितने ज़्यादा टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप इनवैलिडेट और वैलिडेट करते जाते हो क्लाइंट एरिया को। और मैं बताऊँ आपको, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे जो भी ग्राफिक्स दुनिया जहान के आप लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने इवेंचुअली एग्जीक्यूशन के वक्त ट्रांसलेट किस में होना है, विंडोज़ API के अंदर, ठीक है। बाकी सारी ऐप लेयर पे काम करती हैं, C# उठा लो, .NET उठा लो, यूनिटी उठा लो, उनका कंपाइलर लोअर एंड पे ट्रांसलेट किस में करेगा, उस जबान में जिसे कर्नल समझता हो, विंडोज़ SDK की जबान में। यानी कि यही GDI प्रिमिटिव्स में, ये जो तुम पढ़ रहे हो, टेक्स्ट मैट्रिक्स, बिगिन पेंट, एंड पेंट, गेट HDC, रिलीज HDC, इसमें ट्रांसलेट होती है कोई भी लैंग्वेज हो। सारी जो नॉन नेटिव लैंग्वेजेस हैं वो ऐप लेयर पे चलती हैं, उनका लोअर एंड ट्रांसलेट होता है SDK की लैंग्वेज में, और यहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। तो जो अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखें, किसी भी वीडियो गेम की या ग्राफिक्स प्रोग्राम की जो डोमेन होगी वो विंडोज़ SDK की डोमेन होगी, एंड इट इज़ वेरी रिच एंड वेरी इनलार्ज, ठीक है। पार्ट टू ऑफ द बुक जो कि हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स अलग से एक कोर्स है BSc में, पहले कोर कोर्स था, अभी ऑप्शनल्स में चला गया, उसमें आप ये चीज़ें अगर इंटरेस्टेड हों तो पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ कर्नल का जो पार्ट है, ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस GDI, उसकी बेसिक प्रिमिटिव्स को टच करेंगे, और उसके बाद हम चले जाएंगे यूज़र पार्ट की तरफ। यूज़र पार्ट में आपके इंटरप्ट्स हैं, कीबोर्ड के, माउस के, टाइमर फंक्शंस हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग आ जाती है, ठीक है। और फिर हम कोर की तरफ अभी जी, आई वॉज डिसकनेक्टेड ड्यू टू लाइट जो है थोड़ी सी ब्लिज हुई है, और आई थिंक जाके फ़ौरन से आ गई है। आई होप कि अब आप मुझे सुन सकते हैं। ओके, यस सर तो GDI प्रिमिटिव सेम रहेंगी, ऊपर कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसने ट्रांसलेट इसी के अंदर आकर होना होता है, ठीक है। तो कल की जो हमारी लैब होगी उसमें हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे स्ट्रक्चर्स को फर्दर। टेक्स्ट मैट्रिक्स आप कर चुके हैं, स्क्रॉल बार के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, और कुछ और भी उसमें फंक्शंस हैं उनको भी देखेंगे सिस्मैट्स 2 और 3 के अंदर।
और यहाँ पे हमारा जो GDI का बुनियादी पार्ट है वो हो जाएगा ख़त्म। और फिर एक वीक की नेक्स्ट वीक ऑफ है, ईद हॉलीडेज, उसके बाद हम शुरू करेंगे यूज़र पार्ट जिसमें टाइमर है, सर पेंडल प्रोसेस। हॉलीडेज कब से स्टार्ट हो रही है? अभी UET लाहौर का नोटिफिकेशन तो नहीं आया बेटा, लेकिन जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का पूरे पाकिस्तान के लिए नोटिस देखा है वो 10 से 15 है। तो सैटरडे संडे तो वैसे ऑफ होता है, यानी कि नेक्स्ट वीक 10 to 15 का जो नोटिस है वो सर्कुलेट कर रहा है न्यूज़ चैनल्स पे भी और मीडिया पे भी। हाउएवर रजिस्ट्रार ऑफिस से आई थिंक आज या कल UET लाहौर से नोटिस आ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली यही जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसी को फॉलो करते हुए 10 to 15 यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो प्रैक्टिकली 8 से 16 तक जो है वो लाइक काफ़ी काफ़ी सारी जो हैं आपको वोकेशंस मिलने वाली हैं। तो ईद वीक के यस बाद हम इंशाल्लाह यूज़र पार्ट को करेंगे जिसमें टाइमर है, जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग है और जिसमें कुछ इंटरप्ट्स हैं। तो यूज़र पार्ट ऑफ द कर्नल को भी हम विंडोज़ API के अंदर टच करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले वीक्स में। और फिर हम थोड़ा सा कोर के ऊपर जाने से पहले लिनक्स को टच कर लेंगे या कोर के बाद टच कर लेंगे, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो आपने असाइनमेंट, अगर आपका टर्निटिन ID नहीं बनती तो आज रात 12 बजे तक मुझे आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है? और ये जो लोग उस दिन प्रेजेंट नहीं भी थे वो भी मुझे असाइनमेंट भेज दें, लेकिन उनके नंबर तब लगेंगे जब वो मुझे कल क्लास में प्रेजेंट होके फ्राइडे के दिन मुझे वाइवा देंगे रिगार्डिंग लास्ट लैब, ठीक है? अगर किसी की लाइट चली गई थी, कोई इंटरनेट नहीं था पिछले हफ्ते, तो कल वो क्लास में आके जो एब्सेंट थे लास्ट वीक वो मुझे वाइवा दे सकते हैं लास्ट लैब के बारे में। तो उनकी असाइनमेंट जो 1% क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी से रेलेवेंट है वो मार्क हो जाएगी। तो असाइनमेंट सभी भेजिए, सारे स्टूडेंट्स मुझे सेंड करें। तो अभी हम अटेंडेंस कर लेते हैं। थर्सडे को आपकी इंटरेक्टिव सेशन होता है, उसमें अटेंडेंस जो है वो हम लगाते हैं। लेट मी साइन इन द LMS। मंडे को ऑब्वियसली वो आपका लेक्चर टाइम पे ही रिकॉर्डेड सेशन होता है, तो उसमें सर आपने विजुअल स्टूडियो 6 इंस्टॉल करने के लिए कहा था, लेकिन प्रोग्राम दूसरे पे भी हो गया था। बस ठीक है फिर ना कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान है 6, उसमें ऑप्शंस भी बहुत कम है, जल्दी से लोड हो जाता है, तो मैंने इसलिए कहा था। अगर किसी का हो रहा है किसी भी वर्जन में तो वो इट्स ओके, वो स्टिक कर सकते हैं। वैसे जो ये जो नए वाले वर्जन है ना 17 के बाद वाले, दे आर वेरी नाइस एज वेल, थोड़े से हैवी हैं। अगर आप 17 के बाद जितने कम्युनिटी एडिशन आए हैं 18, 19, 20, 21 अभी नहीं आया, तो आप उनमें से किसी पे भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं 17 के बाद वाले, वो सारे दे आर वेरी गुड। ओके जी, ओके जी, लेट्स ऐड एन आइटम, अनचेक ऑल एंड नाउ आई एम गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस। ओके जी, 407 प्रेजेंट हैं, उसके बाद 423 है प्रेजेंट, देन आफ्ताब का आई थिंक 429 है। ये अपनी अटेंडेंस बेटा देखते जाना, मैं लगाते जा रहा हूँ, आज मैं नाम नहीं पूछ रहा। 407, 23 और आफ्ताब का आई थिंक लास्ट है, और निम्रा ताहिर बेटा आपने हैंड रेज किया है, आपका क्या रोल नंबर है बेटा मुझे भूल गया, सर 410 410 है इनका। ओके, ये 410 की भी हो गई। आफ्ताब के बाद हिब्बा बेटा आपका 408 है आई थिंक, यस बाद खुशबू है, इनका 425 है बेटा आपका। खुशबू यस सर 425 मुझे आपके रोल नंबर भी ये ODL की वजह से याद होना शुरू हो गया। मिस बारी जो आपका बेटा 418 है, यस सर मिस बात के बाद कौन है, एहसन मुनीर, एहसन 411 है आपका, 422 सर 22, अच्छा 422। मोहम्मद माहत आपका क्या है बेटा रोल नंबर, नहीं महत सो रहा है, सोने दें इसको, अटेंडेंस नहीं लगवानी इसने। जैन का 413 है,
निम्रा गफूर, निम्रा बेटा आपका क्या है? निम्रा गफूर सर 424। 424 निम्रा के बाद राना दानियाल तुम्हारा 401 है आई थिंक। शिजा आपका 427 है शिजा बेटा? यस सर। जैनब, जैनब का, जैनब 470। ठीक है, तो महत तुम सो रहे हो, सोते ही रहो, सोने वाले बच्चे की अटेंडेंस नहीं लगा करेगी। ठीक है, अच्छा हाथ रेज कर दिया, जाग गए हो, इसका बताओ रोल नंबर महत का। डैनियल आपका 401 है? डैनियल यस सर। और महत का क्या है सर? 403। 403 ठीक है। ये अब मेरा ख्याल है जितने बच्चे प्रेजेंट थे सबकी मैंने लगा दी अटेंडेंस, सेवन क्लोज सेव। और भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज कोई बच्चा एबसेंट है तो अगली थर्सडे को जो इंट्रैक्टिव सेशन नेक्स्ट है यानी छुट्टियों के बाद, उसमें वो वाइवा दे के तो प्रेजेंट जो है अपनी करा सकता है। ठीक है, तो ठीक है जी, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। असाइनमेंट आज आप सबमिट करा दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है आज की या मंडे की क्लास का आप पूछ सकते हैं। क्लास वैसे ऑफ है, जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है वो जा सकते हैं। और ओके जी, इफ यू हैव नो क्वेश्चन तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप